हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए आज फिर एक नई, एक और कलेक्टिव जनरल रीडिंग। जिनके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, करंट एनर्जी, ठीक है? करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहा है और आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में। पहले भगवान जी प्लीज हमें बताइए। देखिए कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, सबके लिए होती है, ठीक है? कोई ना कोई मैसेज सबके लिए होता है, जो भी रीडिंग जिन तक भी पहुंचेगी। तो आप जो आपसे मैच करे वही लें, लीव द रेस्ट। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलिए देखते हैं अब क्या आता है, आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और क्या जो है जिनके लिए आप सोच रहे हैं। पहले भगवान जी हमें ये बताइए कि जिनके लिए मेरे व्यूअर्स, ये शॉर्ट अपडेट है, जिनके लिए मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो इंसान इनके लिए क्या सोच रहा है, ठीक है जी। देखिए चेंज, सबसे पहले यहाँ पे ये कार्ड चेंज का भी है, ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी है, ये कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का भी है। देखिए आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो इसके बीच में ना ये साइन बना हुआ है छोटा सा, जो यिंग यांग का साइन होता है, ठीक है? जो दिखाता है ये कार्ड, एक वर्ल्ड के कार्ड को भी दिखाता है, ये कार्ड न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, चेंज को भी दिखाता है। और यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, 10 नंबर इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है? चलिए तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हो वो आपके साथ एक एक कंप्लीशन देखते हैं, आपके साथ एक कंपैटिबल रिश्ता है उनका, आपके साथ वो कंपैटिबल फील करते हैं, ठीक है जी। तो जिनके लिए आप सोच रहे हो वो इंसान आपके साथ, अगर ये आपका कोई पास्ट पर्सन है तो ये पुरानी, अगर कुछ भी आपस में मन मुटाव या कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उनको भुला के, या उनको जो है एक तरह से न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये आपके साथ। कंप्लीशन, देखिए पहले चेंज और फिर कंप्लीशन, जो हमने पहले ही जिसको एज्यूम कर लिया है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है? मे बी आप जिस के लिए सोच रहे हैं वो इंसान जो है आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, या आपको वो अपनी मतलब जाने नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से, आपको रोक के रखना चाहता है अपनी लाइफ में। ओके, पेशेंस, मे बी आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है इस इंसान का, और ये इंसान भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि आपने इतना पेशेंटली इस इंसान का वेट किया है। देखिए ये अबंडेंस का कार्ड है, तो अब जो है जैसा कि ये चेंज और कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो ये बताता है कि चीज़ें जो है अब एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन की तरफ आपके इस रिश्ते में जा रही हैं। जिनके लिए आप सोच रहे हो वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, वो आपको एक कमिटमेंट या आपको इस रिश्ते में रोक के बांध के रखना चाहता है, ठीक है जी। यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट अब चीज़ें जो है एक बेहतरी की तरफ, एक कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कंपैरिजन, देखिए अगला कार्ड हमें मिला है कंपैरिजन का। इस इंसान ने आपको औरों के साथ कंपैरिजन किया है, और बॉटम में कार्ड हमें मिला है अंडरस्टैंडिंग का। नाउ दे रियलाइज ऑफ योर कनेक्शन, कि ये कनेक्शन कितना इंटेंस है, कितना प्रीशियस है, और कितना जो है बैलेंसिंग है। देखिए कार्ड भी टेम्परेंस का आया है टैरो में से, तो टेम्परेंस का कार्ड एक बैलेंस को दिखाता है, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को दिखाता है, एक डिवाइन कनेक्शन को दिखाता है कि चाहे जिस कनेक्शन में आपको बैलेंस करते हुए बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत वेट किया है आपने, लेकिन फाइनली ये जो कनेक्शन है आपका एक फुलफिलमेंट की तरफ, एक कंप्लीशन की तरफ जो है के नज़दीक आ चुका है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जिनके लिए मेरे व्यूअर सोच रहे हैं वो इंसान करंटली इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहा है। देखिए ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, मे बी कुछ इनसिक्योरिटी है, या कोई बात आपके साथ करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है ये इंसान, ठीक है? इसको बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है। किस बात का फियर हो रहा है? मे बी इसको फियर हो रहा है
कि शायद जो पास्ट में इसने कोई स्टुपिडिटी या कुछ ऐसा जो है इस रिश्ते में शो किया है या ऐसा जेस्चर शो किया है या आपके साथ फेयर नहीं किया है, बैलेंस नहीं बनाया है, तो अब इसको फील हो रहा है कि कहीं जो है ये रिश्ता, मतलब मैं इस रिश्ते से जो है महरूम या वंचित ही ना रह जाऊँ, इसीलिए ये इंसान स्टॉक कर रहा है आपको। इसको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, देखिए आपको ये एक वाइफ मटेरियल की तरह एक ऐसा इंसान मानता है जो एक अच्छी वाइफ, अच्छी माँ, अच्छी एक पार्टनर, एक कंपैटिबल समझता है आपको। देख लीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, सच अ टाइप ऑफ कार्ड, ठीक है। फोर ऑफ स्वॉर्ड, आपके बिना इसको बहुत एंजाइटी टेंशन हो रही है। इसको एंजाइटी टेंशन किस बात की हो रही है, देखिए यहाँ पे ये इंसान शुरू से इसका, मे बी इस इंसान का, ये आपका पर्सन कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है एक दुनिया का डर। देखो ना ये इंसान यहाँ लेटा है, तीन तलवारें इसके ऊपर आ रही है और यहाँ पे ये जो है लोग खिड़की में से देख रहे हैं। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि इस इंसान को लोक लाज, लोग क्या बोलेंगे, कहते ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसको सबसे बड़ा रोग यही है आपके पार्टनर, आपके पर्सन को, या ये आप में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड आता है वो वाइस वर्सा होता है। कई बार वो आपकी एनर्जी होती है लेकिन मैं आपके पर्सन की बता रही होती हूँ, तो आप उस चीज़ को अपने आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। एक अपने जेंडर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं जो भी हैं, आप अपने हिसाब से लें, ठीक है जी। इस इंसान को कभी कभी ये भी होता है कि अब तो समय बीत गया है आपका, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इस टाइप की एनर्जी में आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। वाओ, देखिए सन का कार्ड, तो एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कंप्लीशन, जैसा कि पहले ही हमें ये कार्ड मिला है एनर्जी डेक से कि चेंज, ठीक है, कंप्लीशन। तो डेफिनेटली आपका ये रिश्ता जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, चाहे पास्ट में कैसा भी रहा है लेकिन अब जो है एक कंप्लीशन, आप खुद ही नोट करेंगे इस इंसान में चेंज, ठीक है। चलिए भगवान जी, बहुत गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये जो है इंसान मे भी आपको कहीं सोशल मीडिया पर मिला हो, या ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि ये इंसान आपसे, दिस पर्सन इज़ फार फ्रॉम यू, ठीक है, ये इंसान आपसे किसी दूर स्थान पे या दूरी पे रहता है, या आप लोगों के बीच में जो ये आया डिस्टर्बेंस आई या कुछ भी जो है ये फियर आए, या ये इसका कारण भी आप, मतलब एक तरह से जो दूर होना, मतलब एक तरह से मॉनेटरी भी आप लोग दूर कहीं रहते हो, दूर अलग जगह पे, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये इंसान अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। पास में हो सकता है इसने आपको ना, आपके साथ ना करके किसी और को जैसे दिया है, चाहे वो आप किसी चीज़ को भी ले लो, पेंटिकल ले लो, या एक 100% जो है उसने कहीं और इन्वेस्ट किया है थर्ड पार्टी में। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया, तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, तो लेकिन ये अब इंसान आपके साथ एक सेलिब्रेशन देखता है, एक इक्वल गिव एंड टेक देखता है। मतलब अब मे बी इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि जब आपको कोई लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ देता है, या जब आपको एक वेटिंग जोन में कोई इंसान छोड़ देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है। तो अगर आपके बीच कोई नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट आया है, तो इस इंसान को वो चीज़ फील हुई है, क्योंकि मे बी ये इंसान आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया और थर्ड पार्टी ने भी इसके साथ ऐसा ट्रीट किया कि इसके साथ वही किया जो इसने आपके साथ किया, ठीक है। तो आपकी एक वैल्यू जो है इस इंसान को, अब ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अब आप कहोगे कि मैडम हमेशा न्यू बिगनिंग कह देती हैं, लेकिन न्यू बिगनिंग हो नहीं रही है, ठीक है जी। यहाँ पे एक मिनट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो मुझे यहाँ पे, वैसे तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी लेडी फिगर या एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो बहुत संघर्ष किया है जिसने इस लाइफ में, ठीक है, ये कोई मैच्योर वन है जो भी है, ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, जो एक हर्डल का काम कर रहा है। लेकिन अब जो मैं ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का
जो एनर्जी देख रही हूँ, अपने व्यूअर्स की देख रही हूँ, कि अब शायद इस इंसान को आपकी तरफ आते हुए एक डर सा, एक कॉम्प्लेक्स सा फील होता है, क्योंकि इसको, ये आपको इस टाइम बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। ये इंसान आपको देख रहा है कि अब वो पहले वाले आप नहीं रहे, आप अब ब्लंट हो चुके हैं, आप चीज़ों को आपको बोलना आ गया है, क्लियर करना आ गया है, ठीक है। देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ ये कार्ड है जो एक फियर को दिखाता है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड एक ब्लंट स्पोकन एक फीमेल फिगर है जो मच्योर है और जो चीज़ों को मुंह पे बोलती है, ठीक है, ब्लंट स्पोकन है, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देख कर जो है ये नेचर जो है इसको मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान को लगता है कि अगर मैं चाहता तो हूँ मैं न्यू बिगनिंग करना, अब मैं इसकी प्रायोरिटी, इसकी जो एक वैल्यू भी समझ गया हूँ, लेकिन क्या ये इंसान मुझे ये इक्वल गिव एंड टेक और न्यू बिगनिंग और एक 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 नेक्स्ट चांस जो है मुझे देगी, क्योंकि पास्ट में तो मैंने अपनी काफ़ी इगोइस्टिक रहा है ये इंसान, इगोइस्टिक या अथॉरिटिव फिगर, ठीक है, जिसने अपनी अपनी चलाई है, लेकिन अब इस ये आपकी तरफ ना एक इस नज़र से देख रहा है कि इसको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत वर्दी है इसके लिए, ठीक है। अब आपके साथ एक कोलैबोरेशन, एक न्यू बिगनिंग, फिर से एक न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो ओके व्यूअर्स, ये था आप लोगों का कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी तरफ से एक आधा कोई मैसेज भी देखते हैं क्या ये वो आपको बताना चाहता है। ये मैसेज भी है और गाइडेंस भी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, कोई मैसेज या कोई कुछ बताइए हमें। दो कार्ड आ गए, मैं दोनों ही ले लूँगी क्योंकि शॉर्ट अपडेट है लेकिन बड़ी रीडिंग बन गई है। ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम टुगेदर, ओके। देखिए, मे बी अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट टाइम देखा है तो ये इंसान इस चीज़ को भी, जैसे मैंने कहा ना कंपैरिजन का कार्ड हम जैसे ही आया था कि ये इंसान अब आपका कंपैरिजन भी करता है, तो इसको ये लगता है कि चाहे ब्रेक थ्रू आया चाहे लेस कॉन्टैक्ट आया, लेकिन आप इकट्ठे रहे, ठीक है। न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। देखिए अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड, तो परमात्मा, ईश्वर, डिवाइन, एंजल सब चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, और न्यू बिगनिंग हो भी रही है। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब आप पूछेंगे एक चीज़ कि ये नेक्स्ट एक्शन और ये न्यू बिगनिंग कब तक हो सकती है, बताइए भगवान जी। देखिए यहाँ पे 10 of Cups, फिर से कंप्लीशन का कार्ड, तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप इस इंसान से मैरिड हो सकते हैं, ये आपका, या फिर मैरिड नहीं हो सकते तो ये इंसान कोई मैरिड है जिससे आप डील कर रहे हैं, या फिर ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है। यहाँ पे भी देखिए लवर्स का कनेक्शन, ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो है टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक कंप्लीशन की तरफ आपका ये रिश्ता जा रहा है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, और अपने कमेंट भी लिखें जो आपको लगता है कि आपको साझा करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई एनर्जी आपको लगता है कि मैं ऐसा ही चाहती हूँ तो उसको क्लेम कीजिए। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।